जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हमेशा आप मुझे पूछते रहते हैं कि नवरात्रा में हमें कौन से उपाय करना चाहिए जो उपाय आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही दिनों में नवरात्रा शुरू होने वाली है और देवी के 9 दिन का त्यौहार शुरू होने वाला है, और बहुत दिनों से हम इस बार इस महीने के अतिरिक्त महीने की वजह से बहुत हमें लंबा वक्त 1 महीने इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन नवरात्रा का जो पर्व है कल से शुरू हो रहा है। तो अब कौन कौन से उपाय हमें करना है इस नवरात्रा में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें। तो सबसे पहला उपाय है तो आपको करना है कि इस 9 दिनों तक, यदि हम 9 दिन तक उपाय नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करें कि आप एक दिन कोई सा भी उपाय जरूर उपास जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये शक्ति का पर्व है और हमें शक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सकारात्मक ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए एक दिन उपास करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग अपनी हेल्थ इशू की वजह से नहीं कर पाते, बहुत से लोगों को करना बहुत टफ है, तो अपनी निजी कई सारी परेशानी है, तो आप एक दिन जरूर करें। दूसरी बात है कि अपने गुरु मंत्र का इन 9 दिनों तक जाप जरूर करें। अगर गुरु मंत्र नहीं है आपके पास, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, जय माता दी का जाप करें, जो भी आपका मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन 9 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा इन मंत्रों का जाप करें, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके 9 दिनों में दान पुण्य जरूर करें दोस्तों, लोगों की मदद करें जैसी बन पाए आपसे। आप देखिए, हर एक व्यक्ति की एक क्षमता होती है मदद की, तो जो भी मदद आपकी बन पाए वो मदद इन 9 दिनों की जरूर करें, क्योंकि एक पर्व है, उत्साह का, शक्ति का पर्व है, और इसमें कई सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अतिरिक्त बातों पर बात करें जो उपाय आपको करना चाहिए जो बहुत आपके जीवन में सकारात्मक वे में हो, हवन जैसे कर पाते हैं 9वें दिन, तो अगर आप अफोर्ड कर पाए तो जरूर करें, तो आपके लिए सकारात्मक होगा। कन्या भोजन जो हम कराते हैं वो भी आप कराएं तो भी बहुत सकारात्मक होगा। तो 9 दिनों में जितने भी आप सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, सकारात्मक उपाय कर सकते हैं, लोगों को दान जो कर सकते हैं, जो जो हम लोगों की मदद कर सकते हैं, वो 9 दिन जरूर करें अपनी क्षमताओं के अनुसार, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों। और आप माँ का, हम घर में माता का पाठ करते हैं, तो श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें अपनी इन 9 दिनों तक, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। तो ये उपाय आप करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे। तो अगर आपको ये जितनी भी बातें हैं अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आपकी कोई राय हो तो वो कमेंट्स में आप खुल कर लिख ही सकते हैं। अच्छा लगा, मुझसे बात करना हो तो स्क्रीन पर नंबर है, बात कर सकते हैं।